सनसनी ऑफ इंडिया। साइबर थाना पुलिस ने कोरोना जांच की फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपी 1000 रुपए में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक कंपनी के कर्मचारी ने कोरोना जांच की पॉजिटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जमा कराकर मेडिकल प्रॉफिट लेने की कोशिश की। जिस लैब की रिपोर्ट कर्मचारी ने जमा करवाई थी, कंपनी ने उसी लैब में रिपोर्ट वेरीफाई करने के लिए भेज दी, तो चौंकाने वाली बात सामने आई कि उनकी लैब के नाम पर यह झूठी रिपोर्ट है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बाटला हाउस निवासी 32 वर्षीय आमिर अंसारी और जाकिर नगर निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद अनस के रूप में हुई है। दक्षिण जिला डीसीपी बेनीटा मेरी जैकर ने बताया कि दक्षिण जिला साइबर सेल थाना प्रभारी अरुण कुमार वर्मा को कोरोना जांच की फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में लिखा था कि वो 1513 फर्स्ट फ्लोर गुमानपुरी कॉम्प्लेक्स वजीर नगर बिश्मा पितामह मार्ग कोटला मुबारकपुर में लैबशियो नाम से डायग्नोस्टिक लैब चलाता है और उसकी लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट भी किए जाते हैं। उसे वेरिफिकेशन के लिए एक आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। देखने में रिपोर्ट उसकी लैब की लग रही थी। वेरिफिकेशन करने पर रिपोर्ट फर्जी निकली। यह रिपोर्ट उसकी लैब के नाम का इस्तेमाल कर बनाई गई थी। उसने आगे आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी लैब के नाम पर झूठी आरटीपीसीआर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दक्षिण जिले के साइबर थाना प्रभारी अर्जुन कुमार वर्मा ने तुरंत ही एफआईआर संख्या 9/2022 अंडर सेक्शन 420 468/471 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अपराध की गंभीरता को भांपते हुए दक्षिण जिला डीसीपी बेनीटा मेरी जैकर ने साइबर थाना प्रभारी अर्जुन कुमार वर्मा के नेतृत्व में एएसआई अनिल राठौड़, एएसआई सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल अजय पासवान, कांस्टेबल अभय राजपाल, अनूप रामबाबू व महिला कांस्टेबल रेणु की एक टीम का गठन किया। टीम ने सबसे पहले लैबशियो के नाम पे बनी फर्जी रिपोर्ट की जांच की तो पाया कि शातिर ठगों ने लैबशियो के QR कोड और वेबसाइट डोमेन में भी धोखाधड़ी की हुई है। जांच टीम को फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले आरोपियों का न तो नाम पता था और न ही किसी प्रकार की कोई पहचान थी। आरोपियों तक पहुंचने का एक ही जरिया था, वो था नकली रिपोर्ट बनवाने वाला कर्मचारी। फर्जी रिपोर्ट बनवाने वाले कर्मचारी का मोबाइल नंबर रिपोर्ट में लिखा हुआ था। आरोपियों तक पहुंचने के लिए साइबर थाना प्रभारी अर्जुन कुमार वर्मा ने सबसे पहले फर्जी रिपोर्ट बनवाने वाले कर्मचारी को पूछताछ के लिए बुलाया। कर्मचारी से कोरोना की फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने वाले मास्टरमाइंड आमिर अंसारी का मोबाइल नंबर मिला। टीम ने मोबाइल सर्विलांस से आमिर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने सच उगल दिया। आरोपी आमिर अंसारी ने पुलिस को बताया कि वो अपने सहयोगी मोहम्मद अनस के साथ मिलकर फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करता था। इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद अनस को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मास्टरमाइंड आमिर अंसारी नकली आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट का मसौदा तैयार करता था और ग्राहकों की डिमांड के अनुसार कोरोना की पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट बनाकर देता था। इसकी एवज में वो 1000 रुपए रिपोर्ट का लेता था। पुलिस को जांच में पता चला कि मास्टरमाइंड आरोपी आमिर अंसारी बड़े ही शातिराना अंदाज से फर्जी रिपोर्ट के धंधे को अंजाम दे रहा था। आरोपी सबसे पहले कस्टमर की रिपोर्ट को टेस्ट के लिए लैब में भेजता था। रिपोर्ट को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के बाद वह लैब की मूल रिपोर्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में बदल लेता था। फिर कस्टमर की डिमांड के अनुसार रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव एडिट कर एक QR कोड संलग्न करता था। मास्टरमाइंड आरोपी आमिर अंसारी ने बताया कि उसने यह सब कुछ YouTube से सीखा है। आरोपी की निशानदेही पर जो ऑर्डर लेता था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया, हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वारा।
जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।